पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी दीन बंधु उर्फ विवेक संतोष यादव भीमनगर MIDC निवासी बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को DCP जोन 1 के लोहित मतानी के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दीन बंधु उर्फ विवेक संतोष यादव भीमनगर वार्ड नंबर 3 ढोने किराना स्टोर के पास MIDC निवासी बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार MIDC पुलिस की टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 3 आंगनवाड़ी के पास एक युवक पिस्तौल लेकर घूम रहा है। इसी सूचना पर तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली तो उसकी कमर पर एक देसी बनावट का कट्टा मिला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह कटर्स का काम करता है और काम के सिलसिले में ही झारखंड से इस कट्टे को खरीद कर नागपुर लाया गया था, परंतु वह इस कट्टे को बेचने वाला था। इससे पहले ही वह पुलिस के हाथ लग गया। 17/7/2022 रोजी अंदर 5:30 अशी आम्हाला माहिती मिळाली होती की भीमनगरच्या हद्दीमध्ये अंगणवाडीद्वारे एक सम पिस्टल सारखे काही शस्त्र घेऊन येत आहे अशी माहिती मिळाली असल्याने आमची जी टीम होती वाहनपट्टी ती टीम त्या ठिकाणी गेली होती। त्या ठिकाणी एक इसम पकडला, त्याचं नाव होतं दीनबंधू उर्फ विवेक संतोष यादव, 22 वर्ष, भीमनगर राहणार किराणा दुकानाजवळ। त्याचं अंगजर्द घेतली, त्याच्याकडे देशी कट्टा मिळाला, देशी कट्टा त्यांनी झारखंडमधून आणलेला होता। तो देशी कट्टा तो कुणाला तरी विकण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी आणलेला होता, करता त्याच्याविरुद्ध कलम 3-25 आणि 5-25 नुसार कारवाई करून घेतली, त्या ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील कारवाई PSI जाधव करीत आहे। गौरतलब रहे कि इस कार्यवाही को DCP जोन 1 लोहित मदानी के मार्गदर्शन में थानेदार उमेश बेसरकर, कल्याणी हुमने सहायक पुलिस निरीक्षक मोहिते, पुलिस उप निरीक्षक आशीष यादव आदि ने अंजाम दिया। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।